हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स अराउंड अस, ठीक है। क्लास वन का ये वीएस है और चैप्टर 14 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, ओके। लॉट्स ऑफ एनिमल्स आर देयर अराउंड अस, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं हमारे अगल बगल, ठीक है। कुछ जंगली होते हैं, कुछ पालतू होते हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारा, वेयर टू एनिमल्स लिव। फर्स्ट में हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमारे घर के अगल बगल में भी रहते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जंगल में भी रहते हैं, तो उस एनिमल्स को क्या बोला जाता है। एनिमल्स में भी बिग और स्मॉल, एनिमल्स बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, ये तो आपको पता होगा। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, कुछ कुछ एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे, जमीन पे रहते हैं। जैसे कि आपके घर के अगल बगल डॉग्स वगैरह हो गए, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स जमीन पे ही रहते हैं। अब कुछ एनिमल्स ट्रीज पे भी रहते हैं, अभी हम बताएंगे ट्रीज पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, मतलब कि पेड़ पौधा पे भी एनिमल्स रहते हैं। सम एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर, कुछ एनिमल्स पानी में भी रहते हैं, ठीक है, वाटर में, पानी में रहते हैं। जैसे मंकी देखो ना, मंकी तो ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, ट्रीज में रहता है, ठीक है। और क्रोकोडाइल हो गया, क्रोकोडाइल वगैरह ये सब कहाँ पे रहते हैं, पानी में रहता है, वो दोनों में रहता है, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पानी में ही रहते हैं। एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड, एनिमल्स जो ज़मीन पे रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग पे भी, हम लोग भी ज़मीन पे ही रहते हैं ना, तो उसी तरह से एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ज़मीन पे रहते हैं। एनिमल्स दैट लीव इन फॉरेस्ट, वो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं, उनको हम लोग वाइल्ड एनिमल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं जो एनिमल जंगल में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, बियर्स हो गए, वुल्फ्स हो गए, जिराफ हो गए, ये सब एनिमल्स आपको जंगल में देखने को मिलेगा। आपके अगल बगल घूमते देखे हो क्या ऐसे एनिमल्स को, नहीं, ये सब खतरनाक जानवर होते हैं, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, यहाँ देखिए, वी कीप सम एनिमल एट होम विद अस, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हम अपने घर में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, रखते हो ना, जैसे कि डॉग को रखते हो अपने साथ, कैट को भी रखते हो। दे लीव लाइक आर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड के जैसा, दोस्त के जैसा रहते हैं। डॉग्स वगैरह रहते हैं ना, बहुत के घरों में देखे होंगे आप लोग डॉग्स रहते हैं, या आपके घर में भी होंगे डॉग्स, वो आपके फ्रेंड जैसा रहते हैं, दोस्त के जैसा रहते हैं, और हम उनकी देखभाल करते हैं, करते हैं ना, उनको खाना देते हैं, उनका केयर करते हैं, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम लोग पेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे घर में रहते हैं हमारे फ्रेंड के साथ, और उनका हम देखभाल करते हैं, उस घर में रहते हैं, यहाँ पे समझना, घर में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग पेट एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। मेनी पीपल कीप कैट्स एंड डॉग, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिलाई, बिल्ली वगैरह और कुत्ते वगैरह रखते हैं अपने घर में, ठीक है, पेट के तौर पर, उसी को पेट्स एनिमल्स बोले जाते हैं। और यहाँ पेट एनिमल्स में ये नहीं आ जाएगा गाय, गाय, काव वगैरह नहीं आ जाएगा। काव आप घर में रखते हो लेकिन घर के अंदर नहीं ना रखते हो, ठीक है, तो हमारे पेट एनिमल्स नहीं हुए। अब देखो, सम एनिमल्स लाइक, जैसे कि कुछ कुछ एनिमल्स, काव हो गया, गोट हो गया, शिप हो गए, हैन हो गए, हॉर्स हो गए, ये सब एनिमल्स हमारे द्वारा रखा जाता है, ठीक है, हमारे द्वारा रखा जाता है, और ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ना। कैसे, जैसे काव हमको दूध देती है, गोट भी दूध देती है, शीप से हमको क्या मिलता है, ऊन मिलता है, जो हम लोग ठंडा के दिनों में जो स्वेटर पहनते हो, जो मम्मी ऊन लेकर आती है ना, ऊन लेकर आती है, उससे स्वेटर बुनती है, तो वो सब ऊन कहाँ से आता है, इस शीप से आता है, ठीक है। उनका हेयर जो है कट करके उनका धागा बनाया जाता है, और फिर मार्केट में अवेलेबल होता है, फिर उसी चीज़ को हम लोग खरीद कर उनका स्वेटर बुनते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। काव हमारा पेट एनिमल नहीं हुआ, काव को हम लोग, काव हमारे लिए यूज़फुल है, उसको भी हम अपने रखते हैं, ठीक है, घर में रखते हैं, लेकिन घर के बाहर रखते हैं, घर के अंदर में नहीं रखते, ठीक है, उनके लिए अलग घर बनाया जाता है, ओके ना, शेड में उनको रखते हैं, और ये हमको दूध देती है, ठीक है बाबू। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। जैसे काव हमको क्या देती है, दूध देती है, शीप हमको क्या देती है, ऊल देती है, मतलब ऊन, हॉर्स हमको क्या करता है, मदद करता है, जैसे हैवी हैवी लोड्स होते हैं ना, घोड़ा पे देखते हो ना, हैवी हैवी लोड्स वगैरह, कुछ सामान है तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मदद करते हैं। टमटम वगैरह देखे हो ना, टमटम में हम लोग बैठते हैं तो हम लोग का लोड धोकर दूसरे जगह ले जाता है ना,
अब देखो इंसेक्ट भी एक एनिमल्स ही है, छोटा एनिमल्स इसको बोलते हैं, जिनके पास 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। इनके पास 6 लेग्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं मोस्टली उनके पास क्या होता है, 6 लेग्स होते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ इंसेक्ट के लगभग सभी इंसेक्ट के पास क्या होता है, ज़्यादातर इंसेक्ट के पास पंख होता है, उनके पास विंग्स मतलब पंख्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, उड़ते हैं। और एंटीना भी होता है उनको अगल बगल चीज़ों को फील करने के लिए, कि हमारे बगल में कौन है, क्या होता है। जैसे कि ये वाला एंटीना मच्छर के पास आप देखे ही हो, ठीक है, जिससे हमको काटता है, उसके थ्रू उनको पता चलता है कि अगल बगल क्या हो रहा है। ओके बाबू, नेक्स्ट हमारे क्या एनिमल्स दैट लीव ऑन ट्रीज। अभी जस्ट बताएं, ऐसे एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं, ठीक है, ट्रीज पे रहते हैं। देखो मोस्ट बर्ड्स लीव्स ऑन ट्रीज, ये देखो बर्ड्स हैं ये हमारा, ठीक है, ये हमारे बर्ड्स हैं। ये सब तो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, पेड़ पौधा पे रहते हैं। ये किसकी मदद से उड़ते हैं, इनके पास पंख होता है, ठीक है, विंग्स जिसको बोला जाता है, उसकी मदद से वो क्या करते हैं, उड़ते हैं हवा में। और इनके पास पीक्स भी होता है, पीक मतलब ये चोंच, जैसे हमारा माउथ गैस को जिसके थ्रू हम लोग खाते हैं, ओके, वो हमारा बीक, इसी तरह से इन लोग बर्ड्स का बीक होता है। और क्लाउज होते हैं, क्लाउज मतलब ये पंजा, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसके थ्रू इन लोग ब्रांच को ट्रीज वगैरह पे बैठते हैं, तो उसी के थ्रू पकड़ कर वो बैठते हैं। मंकीज एंड स्क्वायरल, मंकीज हो गए, बंदर हो गए, स्क्वायरल, गिलहरी वगैरह, ये भी कहाँ रहती है, ट्रीज पे रहते हैं, देखे हो ना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट लीव इन वाटर, ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, जैसे फिश हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, फ्रॉक्स हो गए, ये सब वाटर में रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, क्रोकोडाइल्स और फ्रॉक्स, ये और ये दोनों में रहता है, पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी में ही रहेगा। अब यहाँ क्या है हमारा, होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का घर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल्स को क्या चाहिए, घर चाहिए, हम लोग को भी घर चाहिए अपने आप को किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, बरसात होती है, गर्मी लगता है, ठीक है, ठंड लगता है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं हमको उन सब चोर वगैरह से हम लोग बचते हैं, इसलिए हम लोग घर में रहते हैं। उसी तरह से एनिमल्स को भी यही सब चीज़ों का डर रहता है, उनको भी ठंड से बचना होता है, गर्मी से बचना होता है, बरसात से बचना होता है, और दूसरे एनिमल्स से भी बचना होता है इनको, क्योंकि दूसरे एनिमल्स इनको मार कर खा भी जाते हैं, इसलिए इनको घर चाहिए ताकि ये छुप सके। बीज मेक बीहाइव्स, बीज क्या चाहिए, बीज क्या बनाती है, बीहाइव्स बनाती है, इनका छत्ता को बीहाइव्स बोला जाता है, इनका घर को बीहाइव्स बोला जाता है। बर्ड्स क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है, बर्ड्स का जो घर होता है उनको नेस्ट बोला जाता है। स्पाइडर क्या बनाता है, वेब्स, ठीक है, मकड़ी जिसको बोलते हैं, मकड़े का जाल हम लोग बोलते हैं ना, तो इनका इनका जो घर होता है ये जाल, इनको वेब्स बोला जाता है, क्लियर है। देखो यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका घर हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, खुद से घर नहीं बनाते हैं, ये सब जो अभी ऊपर में पढ़े ये सब अपना घर खुद से बना लेते हैं, लेकिन ये सब अपना घर खुद से नहीं बना पाते, इसके लिए हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है। हॉर्स कहाँ पर रहती है, स्टेबल इसको बोला जाता है। काउज अभी जस्ट बताए थे, शेड में रहती है। और डॉग्स कहाँ पे रहता है, इसके लिए घर का नाम क्या है, कैनल, ठीक है बाबू, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट है एनिमल्स आर फ्रेंड्स, एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं ना, हमको उनको टीज नहीं करना चाहिए, ना किसी तरह का हार्म पहुंचाना चाहिए, कहने का मतलब क्या कि उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, ना उसको किसी तरह से धिक्का पत्थर से आप लोग मारते हो, स्टोन वगैरह चला कर, ये सब ऐसा गलती मत करना, ओके, हमको उसको देखभाल करना चाहिए, उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, ओके डियर। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और भी वीडियो पढ़ना है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, थैंक यू, बाय, टेक केयर।